सौंदर्य सार सर्वस्वं ब्रह्मा प्रपन्न पाल जाताय पृथ्वी तेजुबाण ज्ञान मुद्राय कृष्णाय सीता वंदे जगदीशुंदर मुखा नारायण 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 क्या सुना सर कोई गाड़ी को नहीं मिली थोड़ी सी मन में ये बात आई। हे भाई बहन, ये सोच रहे कि अभी बहुत अच्छा मौका मिला है तो हमारे को अपना सुधार करना ही है। ये अभी से सोच रहे तो बड़ा अच्छा है, इससे पहले सोच लिया गया तो और अच्छा। जितना सदैव हो सके उतना सदैव होना चाहिए। सावधान, हमने कल्याण में पढ़ा था बहुत वर्ष पहले कि सावधानी ही साधना है। साधन करना तो सावधान रहना चाहिए, हमें कोई भी काम करे तो बड़ी सावधानी से, किसी का भी अहित न हो जाए। परसों मैंने बात बताई थी कि मनुष्य है ना, मनुष्य में विलक्षणता एक उपकार करने की है। पशु पक्षियों में भी यह है परंतु उनमें कम है, मनुष्य में ज्यादा होनी चाहिए। स्वतः स्वाभाविक अगर दूसरों के हित की भावना नहीं है, अपने स्वार्थ का त्याग करके सबके कल्याण की भावना नहीं है तो वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। अपने स्वार्थ और आराम के लिए ही अगर जीता है, खाता है, कमाता है तो वो मनुष्य गुण नहीं है। पशु जितने सभी अपने स्वार्थ में करते हैं, अपने कुटुंब का पालन भी करते हैं तो कुटुंब का पालन कर लेना और कमाना और खाना इतना में मनुष्यता नहीं है। मनुष्य तो तभी कराता है जब इसके द्वारा दूसरों का हित हो, औरों का कल्याण हो, औरों को सुख पहुंचे, आराम पहुंचे, आदर सत्कार मिले, तो महिमा हो, ऐसा मनुष्य का जीवन ही खास मनुष्य कहलाता है। तो अपना विचार स्वयं करने का, हमें अपना कल्याण करना है, चाहे वो हो जाए। देखो मौका चतुर्मास को, चतुर्मास का मौका मिलता है सावन भादो महीने, वर्षा होती है तो ये वर्षा ऋतु आती है खेतों को पकाने के लिए, जिससे कि लोग 12 महीना कमाई हुई खाओ। अपने यहाँ एक साथ होती है, 2 साथ जहाँ होती है, 3 साथ होती है, उसमें तो पहले होता है। हम तो अभी हो गया तो हो गया, नहीं होता एक ही साथ है। ऐसे मनुष्य शरीर है, एक ये उद्धार करने का, अपना कल्याण करने का सुंदर मौका है। ये ऋतु है, इसमें भी एक कलयुग है, ये नाम की ऋतु है। भगवान के नाम की महिमा चहु युग और चहु श्रुति नाम प्रभाव, चारों ही युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है। परंतु कलि विशेष, ये कलयुग में विशेष महिमा है। नहीं आन उपाय, ये उपाय नहीं है। और उपाय दूसरे युगों में होते थे, उतना इतना समय नहीं, उतनी बुद्धि नहीं, उतना अवकाश नहीं,
तो कलयुग में नाम की महिमा विशेष है। चैतन्य महाप्रभु कहते नाम नाम अकार बहुधा निधि सर्वशक्ति, अपनी जो शक्ति है वो भगवान ने कलयुग के समय नाम में दे दी, नाम में शक्ति रख दी थी। तो नाम में अपार शक्ति है, अनंत शक्ति है। तो नाम का जप हरेक भाई बहन को चलते फिरते उठते बैठते विशेषता से करना चाहिए। अभी सत्संग है ही तो खेती करना वो सावन भादो महीने हो जाए तो निहाल हो जाओ। ऐसे ही मानव शरीर में भगवान का नाम ले ले तो निहाल हो जाए। गोस्वामी जी महाराज ने ले जाता कि सावन भादो मास के दो जो नाम है राम, ये क्या है? ये सावन भादो महीना है। तो सावन के भादो महीने में झड़ी लगे वर्षा की तो वर्षा बहुत अच्छी हो तो खेती बढ़िया हो जाती है, घास बढ़िया हो जाते, सब पौधे बढ़िया हो जाते हैं। तो ऐसे ही राम नाम की झड़ी लगती रहे, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते नाम जब होता ही रहे, ऐसा ही स्वभाव बना लो। इस सत्संग में स्वभाव बन जाएगा, फिर सत्संग नहीं मिलेगा तो भी वो स्वभाव चलेगा। ये सड़क पर ठेला चलाते हैं ना, रेलवे पटरी के ऊपर ठेला चलता है तो उनको चलाने वाले क्या करते हैं कि सीनों पर दौड़ते हुए बड़े थका करके ठहरे फिर चढ़ जाते हैं, वो आप से आप ही चला जाता है कर 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 बेग भरा हुआ। इसी तरह से ही भगवान नाम का एक बेग चल जाए, अभी बना लो ऐसा, तो और समय में भी जिस समय सत्संग मिलता नहीं उस समय में भी नाम चलता रहे, स्वभाव बन जाएगा ना, स्वभाव जन्म हरे। संत महात्माओं के विषय में लिखा है उनका स्वभाव होता है भगवान का भजन करना, स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक ही, क्योंकि उनको महत्व दिया है उन्होंने। जिनको महत्व दोगे वो अपने में आ जाएगी चीज, आप से आप ही उसका आदर होगा तो आप अपने से आ जाए। तो भगवान राम का आदर करके इसका अभ्यास विशेष भाइयों को बहनों को चाहिए कर रहे हैं अपना, हर समय चलते बैठते सुबह तो सुलभ सुख तो सब का हो। ये राम नाम है सुमरण करने में बड़ा सुलभ है और सबका हो सुख, सबको सुख देने वाला ही है, इसमें सब अधिकारी है। किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, किसी देश में रहने वाला हो, कैसा ही कोई मनुष्य प्राण हो, नाम जप का सबको अधिकार है। बड़ी सुगमता से हम नाम जप कर सकते और नाम जप करने से एक खजाना इकट्ठा हुआ है। नाम जप का खजाना बढ़ाते चलो, भगवान के नाम का खजाना है, ये धन है असली। जितना वो चला से कमाना चाहे कमा लो, राम गड़ी चौड़े पड़ी सबको ही खेल हुआ है, दावा नहीं संसदा नीचे से ले जाए। ऐसा भी अमुक ही नाम जब करे, अमुक आदमी करे, अमुक बहन करे, सबके लिए तो है, नीचे से ले जाए चाहे तो ले। यह राम गड़ी चौड़े पड़ी सबके लिए चौड़े है, खूब तत्परता से उत्साह से इस लाभ को ले जाना चाहिए। मौका है भाई, समय चूक पुनः का पलताने, समय चूक जाए तो फिर पलसताव करेगा है, तभी समय है ये भगवान नाम का विशेष समय कली विशेष। तो कलयुग में विशेष भी महिमा है, राम नाम नर के शरी कनव कश्यप कलिकार जापक जन प्रहलाद जी ने पालने दरी सुरसात। तो जपने वाला प्रहलाद की तरह है, अरे कर्ण ये कलयुग तो राक्षस असुर असुर राज हिरण्यकशिप हुआ है, तो इसके राज्य में धर्म का नहीं करना अधर्म प्रेरणा, इस कलयुग को अधर्म का मित्र बताया है। हम कलयुग में अधर्म का खूब बहुत बोलबाला होगा, स्वतः स्वाभाविक
आज पाप की तरफ, पतन की तरफ दुनिया जा रही है बड़े जोर से। कली प्रभाव है, कली प्रभाव विरोध क्यों हो रहा, कलियुग का ऐसा प्रभाव है। तो ऐसे समय में जहाँ राक्षस हो जाए तो उसकी पुष्प क्या करेगी, ये प्रहलाद ने क्या किया, नाम जप किया, भजन किया, तो व्यापक जन प्रहलाद जी वो प्रहलाद की तरह है, उस पर नहीं चलता कुछ भी, भगवान के नाम का जप करता रहे तो कलियुग का प्रभाव वैसा नहीं पड़ता जैसा नहीं जप करे उन पर पड़ता है। वे तो मिल जाएगी ऐसे ही सुने, कोई धनी नहीं उसका, कोई मालिक नहीं, नाम लेना के चलते हैं वो जो पशु पक्षियों की तरह है, तो उन पर कलयुग का प्रभाव विशेष पड़ेगा। वो सत्संग करता रहेगा, गीता रामायण आदि का पाठ करता रहेगा, नाम का जप करता रहेगा, पारमार्थिक रुचि हो जाएगी तो वो शर्म को जाता भगवान के शर्म को जीव मोह जब ही जन्म कोटि अविनाश ही तब ही भगवान के शर्म को होने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान नाम जप करे और उद्धार का उद्देश्य रखे कि अपना कल्याण करना है। भाइयों बहनों मौका है कि बार बार नहीं पाइए मनुष्य धर्म की मौज, मनुष्य धर्म की मौज भी बार बार नहीं मिलती, और मनुष्य में होने पर भी अबार महाराज कह रहे थे जैसे अपनी विमुखता मेरा कल्याण हो ये इच्छा बहुत कम होती है और कम लाभ उठाते हैं, और ऐसी ये इच्छा हो जाए फिर सत्संग मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो बहुत ही बढ़िया हो गई। संत समागम जोड़ो भाई, ये सत्चर्चा है ना, ये सत्कर्म होता है, सत्चर्चा होती है और सत्चिंतन होता है और सत्संग होता है, चार भाव है इसमें। कर्म करने में सत्कर्म करने में श्रेष्ठ कर्म करें, पाप नहीं करें, अन्याय नहीं करें, उपकार की बात करें, संयम की बात, सबको सुख कैसे हो, सबका भला कैसे हो, कैसे करें। गरीबों की, अपाहिजों की, अरक्षितों की, बूढ़ों की, अंगहीनों की सेवा विशेषता से करनी चाहिए, सबको सुख पहुंचाना है। परंतु दुखिया है, दीन है, दरिद्र है, संग अंग भंग है, अंग विकल है, अंधे हैं, बहरे हैं, दूल्हे हैं, लंगड़े हैं, ऐसों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, इनकी विशेषता से सेवा करनी चाहिए, सेवा के पात्र हैं वे। इसी तरह से ही चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा है, उनकी बात आती है, इतिहास आता है कि अत्यंत विद्वान और अत्यंत धनी है इनकी सेवा करो, ज्यादा धनी होते हैं उनका उद्धार कठिन होता है। अति पंडित श्रीमान रोगी अति दरिद्र को हो ना आत्म ज्ञान, अत्यंत दरिद्र है, अत्यंत रोगी हुए, अत्यंत धनी हुए, बहुत बड़े विद्वान हुए, उनका कल्याण होना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनमें अकड़ होती है, अभिमान होता है, और अभिमान है संस्कृति मूल शून पद नाना सकल सुखदायक अभिमाना, संसार का तो मूल है ये, नाना शून पद तरह तरह की सुख है, तरह तरह के पाप अन्याय, सकल सुखदायक सब तरह का शोक देने वाला अभिमान बताया। तो अभिमान रूपी बहरे की छाया में ये पाप रूपी कलयुग रहता है। नल दमयंती के इतिहास में आता है तो कलयुग ने नल में प्रवेश होकर बहुत दुख दिया, अंत में फिर वो घबरा गया तो वहां से निकल करके बहरे के वृक्ष में चला गया। तो बहरे की छाया में आज भी अच्छे आदमी नहीं बैठते, जैसे पीपल की बढ़ती छाया उत्तम मानते हैं ऐसे बहरे की छाया खराब मानते हैं, उसमें उसकी छाया में कलयुग रहता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो अभिमान रूपी एक बहेड़े का वृक्ष है, इसकी छाया में अभिमान रूपी कलयुग रहता है, और अभिमान जब आता है तो तरह तरह के दोष उसमें आते हैं,
अपने को जहां बड़ा माना और अभिमान आया, चाहे विद्या से बुद्धि से जन्म से कोई ब्राह्मण आदि जन्म से साधु आदि वीर से अपने को जहां बड़ा माना और कलयुग आकर प्रवेश कर जाता, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। संस्कृति मूल शून्य पर लगाना सकल शोक दायक अभिमान, सब तरह के शोक देने वाला अभिमान है, तो अभिमान से सावधान रहना है। ये ऐसा एक विलक्षण है अभिमान, पाप का भी अभिमान, अन्याय करने का भी अभिमान होता है और भजन करने का भी अभिमान हो जाए, सदगुण सदाचार का अभिमान हो जाए, अच्छे शास्त्र पढ़ रहे तो उससे अभिमान हो जाए, ये जगह जगह तंग करता है। इस वास्ते बड़े सरल स्वभाव मन कुटिलाई, मन में कुटिलता न हो और स्वभाव सरल हो, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे पहुंचे, सबका हित कैसे हो, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी चाहिए। आप कितना हित कर सकते हैं उसकी उतनी आवश्यकता नहीं है। कई भाई बहनों के मन में ऐसा रहता है कि ज्यादा पैसा हो, ज्यादा सामर्थ्य हो तो ज्यादा की सेवा कर देगा वो, तो उसको ज्यादा पुण्य हो जाएगा। तो बात तो बढ़िया है, ज्यादा का जितना ही उपकार करे, ज्यादा की जितनी सेवा करे उतना बढ़िया है, परंतु सामर्थ्य के अनुसार ही आदमी कर सकता है। पर उसकी ये महिमा है, सामर्थ्य मामूली है तो अधिक कहां से करे। धनी आदमी जितना धन खर्च कर सकते हैं दूसरों के हित के लिए, गरीब के पास में उतना धन नहीं है तो उतना नहीं कर सकते खर्च, तो उनको उतने से उतने ही थोड़े से ही उनका काम हो जाता है, उनका बड़ा पुण्य होता है। एक राजा थे, ऐसी कहानी हमने सुनी है, तो वो सत्संग करते थे, तो सत्संग करते हुए भी वो प्रश्न करते रहते, जब ध्यान कीर्तन आदि मैं करता हूँ, सत्शास्त्र पढ़ता हूँ और संतों से अच्छी अच्छी बातें सुनता हूँ, फिर भी हमारा भीतर से भाव बदला नहीं, भक्ति प्राप्त हुई नहीं, नम्रता सरलता ये स्वतः स्वाभाविक सद्गुण है, ये आने चाहिए, तो महाराज वो तो आए नहीं है। तो संत कहते भी उपकार करो, दूसरों का हित करो, सेवा करो, वो करते इसलिए सही, अन्न वस्त्र अधिक देना, सेवा करना, गरीबों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, ऐसे करते रहते, परंतु करने पर भी वो जैसा चाहते थे वैसा परिवर्तन नहीं हुआ। तो सत्संग करने वालों को ये निगाह रखनी चाहिए कि मैं इतना करता हूँ फिर भी भाव नहीं बदला, ये सजग आदमी काम हो, सावधान आदमी काम है, नहीं तो इतनी माला जप ली बस, मंदिर जाइए परिक्रमा कर ली, जुलूस कर ली बस, कथा सुन ली बस, इतने में ही रह जाते हैं। पर सजग आदमी है इतने में संतोष नहीं करता, वो सजग है, जगा हुआ है, जागृत हो गई है कि अपने तो कल्याण करना है, और कल्याण करने में फिर कल्याण हो जाएगा नहीं, ये उद्धार की ओधार नहीं करते, वो तो नगद होना चाहिए, अभी अपने स्वभाव पर असर पड़ना चाहिए, तो जीवन पर असर नहीं पड़ा तो सत्संग और भजन कहाँ हुआ। भजन होगा और सत्संग होगा तो उसका जीवन बदलेगा, उसका स्वभाव बदलेगा स्वतः। तो वो स्वभाव जब तक न बदले तब तक भाई सत्संग से संतोष नहीं करना चाहिए। भजन जप करके, नित्य नियम की माला फेर करके, पाठ पूजन करके और संतोष नहीं करना चाहिए। अभी तो भाई हमारा स्वभाव नहीं बदला, मन नहीं बदला, भाव नहीं बदला, तो फिर क्या हुआ, ये बदलना चाहिए। तो सजग रहता है उसके ऐसा संतोष नहीं होता है, और सत्संग में आती ये बातें उनसे सरलता से कल्याण होता है।
मैं तो ऐसा देखता हूँ तो अच्छे पुस्तकें पढ़ता हूँ, पढ़ने में हमें बड़ी विचित्र विचित्र बातें मिलती है, उससे एक सावधानी आती है, सजगता एक पैदा होती है कि भाई इस जगह हमारी गलती होती है, उस गलतियों का ज्ञान होता है और सुधारने का उपाय मिलता है, ऐसे सत्संग के द्वारा उपाय मिलता है। तो मनुष्य को अपना उद्धार हो जाए ये रखे, उनके लिए एक तो उपाय बताया नाम का जप, हर समय नाम का जप होता रहे। नाम का जप एक साधन विलक्षण है, ये है तो क्रियात्मक क्रिया रूप है, परंतु इससे भाव जागृत हो जाता है। भाव की जो महिमा है, मोद की जो महिमा है, वो महिमा क्रिया की नहीं है, क्रिया करने की एक प्रवृत्ति स्थूल शरीर की प्रधानता में है, तो इसकी महिमा तक नहीं है, परंतु नाम की महिमा है वो क्रिया से विलक्षण है। इसकी महिमा भगवान के साथ संबंध जोड़ने की है ना, तो प्रभु के साथ संबंध जुड़ गया, इस वास्ते इसका जल्दी कल्याण होता है, विशेषता से सुगमता से कल्याण होता है। तो हे प्रभु नाम का जप करता रहे और भीतर से प्रभु से प्रार्थना करता रहे कि हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु ऐसी कृपा मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा होनी चाहिए मेरे भूल न हो। तो जैसे अभिमान संपूर्ण अवगुणों का कण है, खान है, ऐसे ही भगवान की स्मृति है संपूर्ण आपत्तियों का नाश करने वाली। हरि स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली हरि स्मृति है। तो नाम जप के साथ स्मृति रहे भगवान है। पातंजलि योग दर्शन में तस्य वाचः प्रणव तद जपस तदर्थ भावनम, गीता में ओम इत्येकाक्षरम् व्याहरणम् तमाम अनुस्मरण, नाम जप के साथ में भगवान का स्मरण हो, राम 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 करते हुए भगवान याद रहे, उसके लिए प्रार्थना करे मन ही मन से कि नाथ मैं आपको भूलू नहीं। तो राजा ने बहुत सी बातें सुनी परंतु फिर भी उनके संतोष नहीं हुआ, वो सदृढ़ साधक होता है ना संतोष नहीं करता। तो महाराज मेरे उपकार करो, सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओगे, तो वो करता भी अपनी तरफ से, परंतु उसमें लाभ होना चाहिए, लाभ नहीं हुआ। तो एक दिन की बात है, रात्रि में महल में सोए हुए थे तो एक स्त्री की और बच्चे की आवाज आई, रोने की आवाज आई। तो बिचारी अभी कौन है, क्या बात है, आदमी को भेजा, नौकर बुलाया और कहा जाओ कौन रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्या बात है। तो ऊपर किला घाट गढ़ के ऊपर उसके नीचे ही घर था एक ब्राह्मण का, वो ब्राह्मण ही विधवा ब्राह्मण ही थी, एक बच्चा था, तो वो रो पड़े। बात क्या हुई कि बालक ने देखा छोरों को, वो बेचारी भले घरों में जाती, काम धंधा कर देती, उससे अपना जो कुछ आता का बच्चे का पालन करती, अपना भी पालन करती, ऐसे गरीब ब्राह्मणी थी। तो बालक ने कहा कि मैं तो ये लट्टू फेरूंगा, लट्टू फिरकी होते हैं ना चक्री, ये खेलते हैं बालक, तो डोरी बांध करके उसे ऐसे फेंकते हैं तो लट्टू घूमता है। वो घूमता देख लिया तो बच्चे ने मां से कहा तो माँ मैं एक ऐसा लट्टू था, माँ ने कहा बेटा ले लेंगे। अब वो चले, कई दिन काम किया, उसे पैसे बचे नहीं इतने, खरीदे इतना, तो उसने बहुत हट किया, रोने लग गया, तो माँ का जी भर आया, उसकी हृदय में विचार आ गया कि बालकों के लिए कितने कितनी तैयारी करते हैं लोग, आज मैं एक खिलौना नहीं दे सकी बच्चे को, खेलने के लिए एक खिलौना ही नहीं दे सकी, ऐसे करके हृदय भर आया, तो वो भी रोने लग गई, तो माँ बेटा दोनों रोते हैं। तो राजगढ़ सिपाही पहुंचा वहां जाकर, क्या बात है, तुम तो डर गई जारी हुआ, डर गई थी, क्या बात है कि राजा पूछते हैं कि क्या बात है,
तो महाराज मैं बोझा नहीं हो गई, चुप रह गई बेचारी, भयभीत तो हो गई। तो राजा को नींद नहीं आई है तो बड़े अपराध हो जाएगा, फिर न जाने क्या दंड मिलेगा हमारे को। तो उसने अपनी बात बताई कि मैं ऐसे अच्छे घराने की स्त्री हूं, परंतु आज मैं बच्चे को एक खिलौना भी नहीं दे सकी। वो चाहता है कि माँ एक खिलौना चाहिए। तो यू क्या है माँ, माँ क्या हुई वो जो बच्चे को खिलौना भी ना दे सके। ऐसी अवस्था देख करके रो रही हूँ, आप क्षमा करो, बच्चे को भी चुप रखूंगी, मैं भी चुप रहूंगी। तो उसने जाकर राजा से कह दिया कि ऐसी बात है। तो राजा ने कहा कि आदर के सहित उसको बुला लाओ, बड़े सम्मान से। तो वो गया, जाकर कहा कि आप पधारो, और कोई तरह की भय की बात नहीं है, राजा जी बड़े प्रेम से आदर से आपको बुलाते हैं, आप चलो हमारे साथ। तो बेचारी ब्राह्मणी आ गई बच्चे को लेकर के, आई तो राजा ने बहुत आदर किया। ओ बहन बैठो यहाँ पर आराम से, क्या बात है? तो क्या बात है, प्रेम से बोले ना, तो उसी आंसू आ गए। संसार में गरीबों को प्यार से बोलने वाला आदमी नहीं मिलता है, पर जो ही स्नेह से भाई बैठो ऐसा क्या प्यार किया, हृदय था राजा का, उस हृदय के कारण से ब्राह्मणी का हृदय बढ़ाया है। उन्होंने लग गई कि भाई तू रो मत, तेरी बात बता कि महाराज मेरी इस बात का दुख हुआ कि मैं क्या माँ कहलाती हूँ, माँ तो बच्चे का पालन करे, मैं एक खिलौना भी नहीं दे सकती, इस बात से मेरा भी हृदय भर आया, रो भरे। तू रो मत, आदमी रोह जाओ बाजार में, जिनकी विशायतों की दुकान है, जो खिलौना बेचते हैं उनकी दुकान जाओ, और दुकान सब बंद है तो कहाँ घर है, जाओ दुकान खुला कर खिलौना लाओ। राजा का हुक्म हो गया तो आदमी गया, दुकानदार को जगा कर लाया दुकान में से कई तरह के खिलौने, जैसे भरे ऐसे कागज के बक्सा के बक्सा भरे हुए, वो लाकर दे दिया साहब। अब बच्चे को जो आता वो जो ले ले, बस इतने को खुश हो जाए और क्या करे, देख लिया बड़ा राजी हो गया। और राजा ने भीतर से मिठाई ला कर मिठाई की छाप धर दी, कपड़ा धर दिया, खाने की पहनने की जो वस्तु है गृहस्थ के खास चाहिए स्त्री बच्चों के लिए, ऐसी सामग्री लाकर धर दी, और कहा आदमियों को तुम साथ में जाओ इस घर पर पहुंचा दो। तो वो सब सामग्री लेकर पहुंचे, और राजा ने कह दिया कि देखो भाई तुम्हारा किसी तरह कोई दुख हो तो हमारे वो कह देना, हमारा वो समाचार करा देना, ऐसा आंसू से मेरा। तो ये बड़े घराने के भाई बहन होते हैं ना, उनमें बहुतों में कम ऐसी दया होती है, विशेष दया होती है, तो ऐसा वो करते हैं। तो चली गई बेचारी। अब उस दिन वो बैठे भजन ध्यान के लिए, तो मन लग गया एकदम, तो विचार के हुई आज तो बहुत मन बड़ा ठीक तरह से भगवान में लग गया, चिंतन होता है, ध्यान होता है, बड़ा अच्छा भगवान ने मन लगा। दूसरे दिन वो गए महाराज के वहां और कहा कि महाराज रात मेरा मन लग गया, कोई उपकार किया होगा, कोई सेवा की होगी। तो उस राजा को ये बात याद नहीं कि मैंने कोई उपकार किया है, सेवा की है, उसके तो मन में आ गया कि एक ब्राह्मणी बेचारी रो रही थी, उसने उस काम कर लिया, ये कोई दान पुण्य की दृष्टि से नहीं किया उसने, उसने तो स्वाभाविक ही दया पर शुरू कर दिया। तो कोई उनको उपकार किया होगा, तो पहले तो याद नहीं आया, पूछा हाँ महाराज एक ब्राह्मण बालक रो रहा था, उसकी माँ के सहित उसको बुलाया, उसको चीजें दी, आश्वासन दिया। ये आश्वासन देना है ना, ये भी एक बड़ी शक्ति है, इसमें इसमें एक तात्पर्य है हित करने का,
वो हित का भाव उस प्राणी पर बड़ा असर डालता है, बड़ा प्रेम रहता है। ऐसे उस होती है तो राजा वो महाराज कहने लगे कि भाई देखो सच्चा उपकार ये हुआ है, असली उपकार हुआ है। इस बात की कहावत है कि छलबल की खेती बेला पुल का दान किसी समय को दिया जाता है वो विचित्र हो जाता है। तो ऐसे मौके पर और ऐसे गरीब को और ऐसी आवश्यक वस्तु दे दी जाए तो उसका पुण्य विशेष होता है। तो मन छलेगा तो ये जो दूसरे का हित करने की बात है ना, इससे अंतकरण शुद्ध होता है, निर्मल होता है। और क्रूर हृदय और दूसरों दुख देता है वो भजन करे तो भी जल्दी शांति नहीं मिलती, क्योंकि हृदय में क्रूरता भरी है। पर सत्संग करने से जप करने से वो हृदय की क्रूरता मिलकर नम्रता आ जाती है, सरलता आ जाती है, उससे बहुत ज्यादा लाभ होता है। एक मेरे को बात याद आ गई, धनी घराने की जो बहना है उनको चाहिए कि गरीब घर की बहन का आदर विशेषता से करे। अपनी जाति में ज्ञाति में वो कोई कम नहीं है, परंतु जिसके पास पैसे नहीं है उनकी वेशभूषा वैसी नहीं है जैसे धन आदमियों की, धनी के घरों की स्त्रियां होती है, उनके श्रृंगार करने की जो सामग्री होती है वैसी सामग्री गरीब घर की स्त्रियों के नहीं होती। ज्ञाति में जाति में बिरादरी में वो कम नहीं है, बरोबर है, परंतु उनके जरा श्रृंगार करने की सामग्री नहीं है। तो कई कई अभिमान में आकर स्त्रियों ऐसे स्त्रियों का तिरस्कार कर देती है, अपमान कर देती है और वक्त पर कहती है तो हमारे यहाँ मत आओ, हमारे साथ मत आओ। वे श्रृंगार करती है, ब्याह अधिक में जाती है तो वे तरह तरह का श्रृंगार करे। जब महाराज एक उसी रंग की साड़ी है, उसी रंग का ओढ़ना है, उसी रंग की चूड़ियां है, तीखी भी उसी रंग की, अब ऐसे सबकी सब रंग एक समय बार बढ़िया, अब वो बेचारी गरीब कहाँ से ला। वो हो ये बंदरी होती है ना जिसको रूप नहीं करते, वो तरफे बागा पैर है। ऐसे धनी घराने की रूपलियां है जो कई तरह की श्रृंगार करती है भैया, अब ऐसे श्रृंगार की सामग्री गरीब के घराने में स्त्री कहां से लावे। तो वो अपने पास में बैठने में भी अपनी बेइज्जती समझती है, तिरस्कार कर देती है, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। तुलसी हाय गरीब की हर से सही न जाए, मुंह बकर की खाल से लो भसम हो जाए। आप देखा ना लोहार की धोखनी होती है, धमन कहते जिसको, ऐसे तो वो फूंक लगती है लो गल जाता है, लो जैसी कर दी चीज गल जाती है। ऐसे ही तुलसी हाय गरीब की, गरीब की जो हाय है उसका अपमान करने से उसको दुख होता है, वो भगवान से नहीं सही जाती, उनकी हाय ऐसी होती है ये बड़े बड़े धनी आदमी उनके भी महान दुख आवेगा, संताप आवेगा, फिर रोएगी। तो ऐसे गरीबों का अपमान नहीं करे। तो एक मैंने कहानी उनसे जुड़ी कहानी और याद आ गई भाई। एक धनी घराने की स्त्री थी तो वो सत्संग में लग गई, तो सत्संग में रुचि लग गई तो वो संतों की सेवा करे। एक बहुत वृद्ध संत थे उनकी वो सेवा किया करती, तो सेवा करने से उसके अभिमान आ गया कि मैं कितनी सेवा करता हूँ, कैसी कैसी वस्तु में महाराज के अर्पण कर देती हूँ, भोजन करा देती हूँ, कपड़ा धो देती हूँ, ला देती हूँ, ऐसे अभिमान आ गया। तो महाराज थे वो बड़े दयालु थे संत, उनके मन में आया कि सेवा करती तो अच्छी बात पर तो अभिमान आ गया इसकी। तो उन्होंने एक दिन बात कही कि ये जो अमुक आती है ना, चना मक्की ज्वार इनको भून करके और बिक्री करके अपना काम चलाने वाले स्त्री थी वो, पति और
पुरुष दोनों ही, पति और स्त्री दोनों ही ऐसे काम में लगे जैसे अपनी जीविका चलाते थे। तो वो स्त्री पति बसा पति की बड़ी तत्परता से सेवा करती थी। तो महाराज ने कह दिया कि तुम उनके साथ मिलो, वो जो स्त्री आती है सत्संग में अपने, उनसे जाकर मिलो देखो उससे। तो एक दिन वो अचानक घर पर गई तो वो रसोई बना रही थी, पास बैठी। कैसे आ गई? कहते महाराज की आज्ञा हो गई और आपके पास आई हूँ देखने के लिए। तो बोलो क्या आज्ञा है, कहा आपकी क्या सेवा करूं? कि मैं तो ये पूछती हूँ कि तैने साग बना भी रखा है और दूसरी अमनिया करके छील करके तैयारी कर रखी है साग की, तो साग बना दिया तो ये क्यों रखे, ये रखी तो बनाया क्यों है? दूसरा इसमें क्या है कि इसमें गर्म जल है, इसमें कि ठंडा जल है, तो ये दो जल क्यों किए? रोटियां भी कुछ बना रखी है और कुछ रोटी बनानी है, आटा साना हुआ पड़ा हुआ है उसकी रोटी बनानी है। तो वो पूछती गई अलग अलग, तो वो मुस्कुराए और कहती ये तुम्हारी बात है या नहीं, बताओ क्या बात है? और एक विलक्षण बात देखी, इतने इतने पत्थर पड़े पास में, इतने दंडे पड़े हैं, ये सब देखा, ये क्यों रखा? तो बेचारी को बताने में संकोच होता था, परंतु ज्यादा पूछती है और वो देखती कि महाराज की कृपा पात्र है, महाराज की सेवा करती है, महाराज पर भक्ति उसकी भी थी, कोई धनी रिश्ती उसकी धनी की भी थी, गरीब रिश्ते की भी थी। तो महाराज की बात याद करके बोली कि वे जब आएंगे कहते ठंडा जल लाओ तो ठंडा जल दे दूंगे, कहते गर्म जल लाओ तो अगर किया हुआ ना हो तो करते में देरी लगे ना, तो गर्म जल भी मैंने रखा है तो गर्म अर्पण कर दूंगी। कहते बस रोज रोटी बनो हमारे को, तो साग और रोटी बनाने परोस दू, और कहते नहीं रसोई बनाओ, तो बनाऊ तो फिर क्या बनाऊंगी, तो पड़ा वो साग बना दूंगी रोटी बना दूंगी, कहते बनाओ तो बना दूंगी, अरे बने हुए पुरुष वो दे दूंगी। इसलिए तो वो सामग्री बताई कि मैंने तैयार कर रखी है, वे कहे जैसे ही उनको दे दूंगी, इतने पर भी वे रुष्ट हो जाए मेरे से बंसी में ना हो जाए तो वे मारपीट करना चाहे तो पत्थर भी रखे है कि ये इनसे मारू, और दूसरी डंडा कर रखा है कभी नहीं पत्थर से हम डंडे से मारेंगे, तो वो विचार आपके पास है और हाथ और लात है ही उनके पास, उनको लाने की जरूरत नहीं। तो इस वास्ते सब सामग्री मैंने कर रखी, और ये महाराज बड़ा असर पड़ा। मैं संत महात्मा समझ करके सेवा करती हूँ और ये पति की सेवा करती है, वो तो घर के मालिक है, अब उसकी सेवा करने में इतनी सावधानी नहीं, संत महात्माओं की सेवा समझ करके मैं इतनी सावधान नहीं हूँ जितनी ये अपने घर के पति की सेवा करने में सावधान है। स्वभाव सुधर गया, उस धनी की स्त्री के लिए अभिमान दूर हो गया कि वो तू समझती कि मैं सेवा करती हूँ, क्या सेवा करती हूँ, सेवा ये बात है उनके मन की बात कैसे पूरी हो, इसलिए से सेवा होती है। तो ऐसे दूसरों की सेवा करने के लिए लग जाए तो बड़ा अच्छा काम रहे, किसने सेवा करे, घर में ही करे, बाहर भी करे, गरीबों की करे, भूखे भिखारी कोई आ गया, साधु ब्राह्मण भिक्षु आ गया उनकी भी करे, सबको सुख पहुंचावे, वो अन्नपूर्णा माँ है जो सबको देती है। तो ऐसी बातें हमने सुनी है, कई बातें याद आ गई, समय इतना ही क्या करे, आरम्भ से सभी क्या कहे कहने की कोई याद नहीं, फिर कहने लगा महाराज ने आज्ञा दे दी तो खड़ा शुरू कर दिया, तो कई बातें याद आ गई, समय नहीं है। नारायण 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 नारायण, तो अब सुधार करना है ये सदा याद रखे, अभी मौका है सत्संग का तो सुधार करो तो बहुत सहायता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें मिल जाएगी भगत वर्ग पर, और गर्म भीतर में चाहना होगी तो बिना पूछे बातें मिल जाएगी, और भगत पर ऐसा अनुभव होगा और होता है ऐसा
कि मानो मेरे लिए ही कह रहे हैं, ऐसा समाधान होता है स्वाभाविक। नारायण नारायण नारायण। राम यह प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 5 जुलाई 1990 को प्रातः 8:30 बजे बीकानेर में हुआ। राम।